पटना मेट्रो का काम जोरों शोरों से चल रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक मेट्रो भूमिगत खुदाई के लिए जमीन के 16 फुट नीचे लॉन्च की गई पहली टनल बोरिंग मशीन महावीर ने 85 मीटर की दूरी तय कर ली। इसके साथ ही स्टेडियम के भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य का इनिशियल ड्राइव पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि शुक्रवार से TBM ने मेन ड्राइव यात्रा शुरू कर दी। मेट्रो अधिकारियों की माने तो अब टनल की खुदाई ऑटोमेटिक होगी, जिससे समय कम लगेगा। TBM को विश्वविद्यालय तक की शेष दूरी तय कर ब्रेक थ्रू करने में नवंबर दिसंबर तक का समय लग सकता है। ये दूरी करीब 1.3 किलोमीटर की है। भूमिगत मेट्रो लाइन का निर्माण 3 फेज में होता है। पहले फेज में TBM लॉन्चिंग सॉफ्ट से टनल की खुदाई शुरू की जाती है। इसमें रिंग सेगमेंट्स की मैन्युअली लगाया जाता है, जिससे मशीन में लगे थ्रस्ट जैक अस्थाई रिंग सेगमेंट्स की मदद से TBM को आगे बढ़ाते हैं, जिससे वो खुदाई के समय अस्थाई रिंग सेगमेंट्स लगाते हुए टनल का निर्माण करते हैं। अधिकारियों के अनुसार TBM का सबसे अधिक भाग फ्रंट शील्ड से कटिंग हेड होता है, जिसकी मदद से TBM मिट्टी को काटते हुए खुदाई करती है। मेन ड्राइव में इसका ऑटोमेटिक प्रयोग किया जाएगा। कटिंग हेड में एक विशेष किस्म के केमिकल से छिड़काव की व्यवस्था की जाती है, जो कटिंग हेड पर लगे नोजल की ओर से मिट्टी पर छिड़का जाता है। मोइनुल हक स्टेडियम और आकाशवाणी भूमिगत मेट्रो स्टेशन के बाद राजेंद्र नगर भूमिगत स्टेशन निर्माण को लेकर डी वॉल केज डालने के लिए खुदाई शुरू हो चुकी है। ये खुदाई राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने हो रही है। GMRC के मुताबिक डी वॉल केज लोहे की सरियाओं मजबूत कंक्रीट से तैयार किया जाता है। इसे जमीन के अंदर काफी गहराई तक डाला जाता है। डी वॉल केज वॉल टनलिंग के दौरान खुदाई स्लैब निर्माण या ट्रैक वर्क होने पर आसपास की जमीन की सतह को ढकने से बचाता है। मोइनुल हक स्टेडियम के पास से 82 फुट और आकाशवाणी के पास 25 से 30 मीटर गहरी और 1.5 मीटर चौड़ाई में जमीन में डाला गया। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।